हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम से रचेंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से रचेंद्र मुंदड़ा क्लासेस। सो आज का जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू द आरटीपी डिस्कशन फॉर नवंबर 2019 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इन द लास्ट वीडियो हमने ईआईएस के आरटीपी का डिस्कशन किया था। ये जो वीडियो है इट इज़ रिलेटेड टू द आरटीपी डिस्कशन ऑफ योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट, राइट। सो लेट मी पुट अप द आरटीपी एज वेल। EIS का जो आरटीपी हमने डिस्कस किया था उसके बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों का आया था। तो ये रहा आपके सामने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का आरटीपी। अब देखिए, आरटीपी के डिस्कशन से स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बात बता दूं कि ये वीडियो को हमारा जो है वो अप्रोच कैसा होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आरटीपी इज़ फॉर रिविजन पर्पज़, राइट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो लगती है, दूसरा आपको उस कॉन्सेप्ट में को प्रैक्टिकली केस स्टडी में कैसे अप्लाई करना है, वो स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप एज अ सब्जेक्ट देखें तो EIS एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दोनों में से प्राइमा फेसी आपको लगता है कि EIS ज़्यादा हार्ड है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ईजी है, जो कि सच भी है। बट जब पेपर लिखने की बात आती है, जब प्रेजेंटेशन की बात आती है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करते हैं, बिकॉज उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उनके पास लिखने के लिए कंटेंट भी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि प्रैक्टिकल केस स्टडी में कौन से कॉन्सेप्ट को वो लिखे, यही वो चीज़ नहीं समझ पाते। और इसी स्किल पे हम लोग आज काम करेंगे आपके इस आरटीपी के डिस्कशन वीडियो में। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, इंटरप्रीट करना है और एप्लीकेशन करना है आपके कॉन्सेप्ट्स का। प्लस हम लोग बीच बीच में से जो है आपके इसका रेफरेंस लेंगे, दैट इज़ आवर रिविजनरी चार्ट्स, ताकि मैं आपको एक स्किल सेट आप में डेवलप करना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पढ़ के आपको ढूंढना है कि एग्जैक्टली उस चैप्टर में वो आंसर कहाँ पे है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग सभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आरटीपी। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट MCQ। ये रहा वो पहला MCQ। लेट मी जस्ट सी वेदर द पेन इज वर्किंग एंड ग्रेट, इट इज़ वर्किंग। नाउ लेट अस सी फर्स्ट MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, चार ऑप्शन हमको दिए। सबसे पहला, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस द लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, ये भी ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, ये गलत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भाई बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक, तो ये गलत वाला हो गया। आगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर रिएक्टिव दैन अ प्रोएक्टिव। क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। रिएक्टिव का मतलब होता है कि जैसा मार्केट चलेगा उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, और प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आप पहले प्लानिंग करोगे और उसके हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करोगे। मार्केट को नॉर्मली इतना ज़्यादा तवज्जो वहाँ पे नहीं देते, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली ये होना चाहिए था, प्रोएक्टिव यहाँ पे होना चाहिए था और रिएक्टिव यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग है एज फार एज द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न। सो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, द आंसर टू दिस MCQ इज योर ए पार्ट, राइट। ऐसा आपको सोचना है, जैसे जैसे आप ऑप्शंस को पढ़ोगे वैसा वैसा आपको कॉन्सेप्ट को सोचते जाना है। चलिए आगे बढ़ते। नाउ वी हैव द बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कोर कॉम्पिटेंसी। अब कोर कॉम्पिटेंसी, जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है आपको दिमाग में आना चाहिए कि कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो चैप्टर 2 से है। आगे बढ़ते, तो क्या बोला है, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। बड़ी ध्यान से आपको MCQ को पढ़ना है कि कहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा हुआ कुछ चार ऑप्शन आपको दिया और आपको बोला हुआ कि कोर कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड क्या सही नहीं है। सो लेट अस फाइंड आउट। इट डिस्टिंग्विशेस अ कंपनी कंपेटिटिवली, ओके, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, 100% इट इज अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो पहले तो आंसर तो है नहीं। आगे, इट इज एन इंडिविजुअल स्किल एंड सेपरेट टेक्निक। अच्छा, ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वैसा लग रहा है। आगे, इट इज ऑफन विजिबल इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, ये भी करेक्ट है। बिकॉज ये कोर कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से यूनिक बनाती है। इट इज दैट यूनिक स्किल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पजेसेस। सो इन द यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए उनमें से सबसे गलत जो कोर कॉम्पिटेंसी के लिए नहीं है वो है आपका आंसर नंबर सी। ये इंडिविजुअल स्किल सेपरेट टेक्निक नहीं होती, ये ऑर्गेनाइजेशन वाली बात हो रही है।
इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट, आई मीन आपका जो सिलेबस इट इज नॉट टूवर्ड एन इंडिविजुअल, इट इज फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर है सी। आई होप आपको आइडिया आ रहा है कि कैसे आपको एमसीक्यू को इंटरप्रेट करके आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला एमसीक्यू हम लोग करेंगे। स्टेटमेंट दैट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस स्कोप एंड ब्रॉडली डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट केपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप इज विजन, मिशन, स्ट्रेटजी एंड गोल्स। वो कह रहे कि वो क्या है जो आपके बिजनेस के प्रेजेंट स्कोप को डिफाइन करता है, और ब्रॉडली ये भी डिस्क्राइब करता है कि आपकी केपेबिलिटी क्या है, आपके कस्टमर कौन है, क्या है। जो स्टूडेंट मेरी क्लास ले चुके हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि मैंने आपको कई सारी प्रैक्टिकल कंपनीज का विजन मिशन स्टेटमेंट स्क्रीन्स पे आपको पढ़ के बताया है, और मैंने बताया था कि विजन इज द अल्टीमेट थिंग दैट द कंपनी वांट्स टू बिकम, मिशन इज द रोड मैप टू विजन, विजन तक जाने का जो रास्ता है दैट इज योर मिशन। तो बेसिकली इस एमसीक्यू का आंसर इज योर मिशन। मिशन में आप डिफाइन करते हो कि आपका बिजनेस क्या है, आपका कस्टमर क्या है, आप क्या करने वाले हो, ये करोगे तभी तो आपकी जो विजन है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। सो द आंसर टू योर एमसीक्यू नंबर थर्ड इज मिशन। आगे बढ़ेंगे, अरेंज डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन, में इस एमसीक्यू पे हूँ, अरेंज डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन स्टेबिलिटी टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अडॉप्शन बाय अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या पूछा हुआ है, हमको इनको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या आप पहले डाइवेस्टमेंट के लिए जाओगे, फिर लिक्विडेशन, फिर टर्न अराउंड या स्टेबिलिटी, व्हाट वुड बी द ऑर्डर, राइट? सो एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, सोचना है आपको। सबसे पहले इट विल ट्राई टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। सो बेसिकली स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी सबसे पहले लगाना चाहेगा। जब स्टेबिलिटी से काम नहीं चल रहा है और उसको एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि अब उसमें लॉसेस आ रहे हैं, निगेटिव कैश फ्लोज हो रही है, मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है, तो टर्न अराउंड का ट्राई किया जाएगा। इमीडिएटली कंपनी बंद करोगे क्या आप? आंसर इज नो, यू विल फर्स्ट ट्राई टू टर्न अराउंड। सो इसका सेकंड ऑप्शन वुड बी, आई मीन द सेकंड सीक्वेंस में आएगा टर्न अराउंड। उसके बाद अगर टर्न अराउंड से भी काम नहीं चल रहा है, उसके बाद क्या करोगे आप? यू विल गो फॉर डाइवेस्टमेंट। सर डाइवेस्टमेंट क्या होता है? एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग बिजनेस में से पैसा निकालना और दूसरे प्रॉफिटेबल सेगमेंट में पैसे को लगाना। सो दिस वुड बी योर थर्ड। और जब सब कुछ आप कर चुके फिर भी सिचुएशन नहीं सही हो रही है, फिर आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन है? लिक्विडेशन। तो आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। सो यहाँ पे इस सीक्वेंस से मिलता जुलता जो ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन। सो देखिए, स्टेबिलिटी, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन। आई होप सही से आपको आइडिया आ रहा है कि कैसे आपको एमसीक्यू को इंटरप्रेट करना है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर ऑन टू फिफ्थ एमसीक्यू। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में लाइट आना चाहिए कि भैया ये जो क्वेश्चन है ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी से आया हुआ है। याद आ रहा है क्या? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस, उसी चैप्टर में लास्ट पार्ट है, कौन सा? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। तो उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि नीचे के सेंटेंसेस में से क्या दर्शाता है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। सबसे पहला, हाईलाइटिंग लो कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस। तो डेफिनेटली ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट तीन ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। एम्फोसाइजिंग लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस, अच्छा। प्रोड्यूसिंग हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस एंड मैनेजिंग हाई कॉस्ट एंड लो क्वालिटी डिफरेंस। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी क्या होती है? बेस्ट कॉस्ट, इसका मतलब आपको कॉस्ट को लो रखना है प्लस आपको बेटर क्वालिटी देनी है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो वन प्लस के जो स्मार्टफोन है उनको हम कहते हैं फ्लैगशिप किलर। उनका टैगलाइन क्या है? दे आर फ्लैगशिप किलर। सर फ्लैगशिप किलर का मतलब क्या होता है? हम कम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें। मतलब वन प्लस के जो फोन है उनकी नॉर्मली प्राइसिंग इज बिलो 40 to 45,000, बट ये कॉस्ट इतनी है, बट उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कंपेरेबल टू आईफोन, कंपेरेबल टू सैमसंग गैलेक्सी S10 एंड S10 प्लस। सो लो कॉस्ट हाई क्वालिटी। तो द बेटर ऑप्शन, द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज एम्फोसाइजिंग लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी डिफरेंस। आई यू अंडरस्टैंडिंग? आगे बढ़ेंगे, सप्लाई चेन। ओ हो, इंस्टीट्यूट का ना ये फेवरेट पार्ट है, कभी एमसीक्यू में पूछ लेंगे, कभी आंसर में पूछ लेंगे। तो सप्लाई चेन तो आपको करके जाना है, और सप्लाई चेन एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कि
आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है भी है और ईआईएस में भी है। सो लेट अस सी, सप्लाई चेन रेफर्स टू द लिंकेजेस बिटवीन सप्लायर्स, लॉजिस्टिक, कस्टमर और ऑल ऑफ द अबव। सिंपल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्लास में, कस्टमर आई मीन प्रोक्योरमेंट से लेकर के जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल तक जो सारी एक्टिविटीज है उनको मिला करके हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो तीनों के तीनों यहां आ जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस मतलब ये चैप्टर नंबर सेकंड से आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, अंडरलाइन एंड हाईलाइट नॉट ट्रू। देखते हैं, इट इज रेलेवेंट फॉर मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज। ओके, दिस सीम्स टू बी करेक्ट। इट प्रोवाइड्स फॉर मोर कंट्रोल एट एंटरप्राइज लेवल विथ सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सेंट्रलाइज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जहां पे होगी वहां पे एसबीओ को कॉन्सेप्ट बैठेगा ही नहीं, बिकॉज एसबीओ क्या होता है कि आपको अपने बिजनेस में कुछ यूनिट्स को ढूंढना है, कुछ किसी सेगमेंट को ढूंढना है और उसको अलग बिजनेस करना है, तो सेंट्रलाइजेशन तो भाई यहाँ आएगा ही नहीं। तो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी रॉन्ग। आगे देखते हैं, एंड एसबीयू हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, 100% यस। आगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर यूनिट्स एट डिस्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज एक मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेस हो सकते हैं, जैसे गूगल के ऑल ओवर इंडिया के, आई मीन यूएस के बाहर भी उनके बहुत सारे ब्रांचेस है, तो ईच ब्रांच इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो ये चार ऑप्शन में से जो गलत है एसबीयू के रिलेटेड, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आ रहा है कि कैसे आपको एमसीक्यू में से बेस्ट पॉसिबल आंसर तक पहुंचना है, राइट? आगे, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन इज डिफिकल्ट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएट करना ट्रेंड के हिसाब से होता है, बट बहुत डिफिकल्ट है, आई मीन बिकॉज आपका बिजनेस सिनेरियो बहुत चेंजिंग है, आपके जो कस्टमर है वो बहुत डायनामिक है, मार्केट बहुत डायनामिक है, तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इन चारों फैक्टर्स में से कौन सा वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो इवैल्यूएशन है वो तो डिफिकल्ट है ही, बट उसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार है। अब उन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर नहीं है इन चारों में से, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन है, बड़ी ध्यान से जब ऐसे एमसीक्यू आते हैं तो आपको 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करना है, फिर ही आपको आंसर करना है। सो लेट अस सी, देर इज ड्रामेटिक इंक्रीज इन द एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है इसलिए स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन करना डिफिकल्ट है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, 100% यस। आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसलिए स्ट्रैटेजी बनाना डिफिकल्ट है। वही तो पूछा हुआ है कि स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स, उन सर्टन फैक्टर के लिस्ट में से इनमें से कौन सा नहीं है, वही हमारा आंसर है। तो ये दोनों तो है। आगे, फर्म्स हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेस। अच्छा, क्या किसी फर्म के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो सकता है क्या? अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहता है तो देन एक्चुअली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफिकल्ट नहीं, ईजी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज नॉट द आंसर। आगे, ऑब्सोलेसेंस इज रैपिड, आउटडेट हो जाना, आउट ऑफ मार्केट हो जाना, राइट? आप जैसे कहते हो ना कि जैसे अगर सैमसंग ने अभी हाल ही में एक फोन लॉन्च किया, दैट इज द सैमसंग गैलेक्सी M30S, जो कि अभी बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन सेल में काफी बिका है। अब ये फोन आज से 3 साल बाद आप लोगे क्या? नहीं लोगे। वाई? बिकॉज ये फोन आज इट इज न्यू, बट आफ्टर थ्री ईयर्स क्या, आफ्टर 6 मंथ इसका ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो बेसिकली ऑब्सोलेसेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिकल्ट स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन। तो भाई इसका आंसर क्या है, फर्म्स हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये एमसीक्यू काफी डीप था, इसका आपको ठीक से आंसर आने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया। आगे, एक्विजिशन ऑफ अनादर ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज यूजिंग योर प्रोडक्ट इन देयर मैन्युफैक्चरिंग इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, कॉन्ग्लोमोरेट। सी, कॉन्ग्लोमोरेट तो आंसर है नहीं, बिकॉज कॉन्ग्लोमोरेट इज वॉट अनरिलेटेड रिलेटेड बोथ, तो ये तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अक्वायर किया,
और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो आपका प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा था। तो आप अपनी प्रोडक्ट चेन में फॉरवर्ड गए, फॉरवर्ड ही गए, तो आंसर आएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज आंसर इज बी, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आगे अरे पोर्टर आ गए आपके, पोर्टर माइकल पोर्टर आ गए। पोर्टर्स कॉस्ट लीडरशिप इज अ डैश स्ट्रेटजी, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, कॉरपोरेट लेवल, इम्प्लीमेंटेशन। बहुत ही सिंपलिस्टिक आंसर है, द आंसर इज बिजनेस लेवल। हाँ आपके चैप्टर का नाम ही है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज, उसमें तो है ना आपका माइकल पोर्टर, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, डिफरेंसिएशन, फोकस, आया समझ में, कॉस्ट लीडरशिप। तो ये कह रहे कि पोर्टर ने जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी बताई है वो ऑर्गेनाइजेशन के कौन से लेवल पे आती है? तो एक होता है कॉरपोरेट लेवल, उसके नीचे होता है बिजनेस लेवल, और उसके नीचे होता है फंक्शनल लेवल। तो बिजनेस लेवल इज द आंसर हो गया, आ रहा है समझ? तो देखो चैप्टर के टाइटल पे क्वेश्चन बना दिया, तो एमसीक्यूज है ना कैन बी वेरी पिन पॉइंट, वो कहीं से भी उठा के कुछ भी एमसीक्यू बना सकते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत अच्छा होगा, और केयरफुली अगर आप एमसीक्यू को रीड करते हो तो आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आगे बढ़ते, तो भाई ये था आपका एमसीक्यू खत्म। अब हम लोग करेंगे थियोरी क्वेश्चंस का डिस्कशन। यहाँ पे व्हाट हमारा अप्रोच हम लोग कैसा रखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, अगर वो प्रैक्टिकल केस स्टडी है तो ट्राई करेंगे कि जाकर के हम समरी चार्ट से देखें हमारे कि कहाँ कॉन्सेप्ट से वो आंसर है, एंड देन विल टेली कि जो हम सोच रहे थे क्या वही आंसर है क्या। और अगर वही वो आंसर है तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज जो रीडिंग पार्ट है वो तो आपके एंड पे करोगे, मेरा यहाँ पे काम है आपको इंटरप्रिटेशन स्किल सिखाना। राइट, आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर वन से दो क्वेश्चन आए, सो लेट अस सी द फर्स्ट। रमेश शर्मा का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। राइट, रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन द दिल्ली रीजन। अच्छा, फोर ऑफ दीज स्टोर्स वेर ओपन लास्ट 3 ईयर्स, ही बिलीव्स इन द मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली एंड एन्जॉयड सिग्निफिकेंट सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स एंड लाइक टिल 4 ईयर्स बैक। अच्छा, विथ शिफ्ट टू परचेसेस टू ऑनलाइन स्टोर द सेल्स ऑफ ही स्टोर्स केम डाउन टू अबाउट 70% इन द लास्ट 4 ईयर्स। ओके, एनालाइज द पोजिशन ऑफ रमेश शर्मा इन द लाइट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दी हुई है, क्या बोला हुआ है कि रमेश शर्मा नाम का कोई आदमी है जिसका दिल्ली में एक स्टोर है, करेक्ट, दिल्ली में उनका स्टोर है और काफी सारे स्टोर, कितने हैं, 4 स्टोर्स पिछले 3 साल में ओपन किए, और उन्होंने काफी अच्छा सेल जो है वो किया है, किसका, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर एंड सो ऑन। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ऑनलाइन स्टोर आने की वजह से इनका सेल बहुत ही घट गया है पिछले 4 सालों में, और स्ट्रैटेजिक लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशन के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो बेसिकली अगर आपको इसको सोचना कैसे, चैप्टर वन से आया हुआ है लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। हाँ, देर इज नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड आउट हियर। रोहित शर्मा, रमेश शर्मा, कुछ भी नाम डाल दो, कोई भी शर्मा हो, यहां पे क्या पूछा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज ऑन लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो भैया चलिए डिस्कस करते कि व्हाट आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन को डिस्कस करने के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा वन नोट, लेट मी जस्ट ओपन अप वन नोट और देखते हैं, तब तक हम आके इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो भाई बताएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशंस क्या है। सो लेट अस सी, वी आर ऑन द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो सर क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्ट बहुत आता है ना, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, खर्चा लगाना पड़ेगा। चलो खर्चे की बात आ गई तो खर्चा लिख दिया, आप टाइम की बात करेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बराबर ना, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा है डीप में, बहुत सारे आपको जो टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस, टॉस एनालिसिस, BCG मैट्रिक्स, G9 सेल मैट्रिक्स, ADL मैट्रिक्स, इतने सारे आपके पास जो है वो मैट्रिक्स है। तो भाई टाइम तो बहुत लगता है, बट आउटपुट आएगा या नहीं आएगा यू कांट से। सो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, उसके बाद डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट,
द फ्यूचर, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा लिमिटेशन है, बिकॉज रमेश शर्मा कितनी भी स्ट्रैटेजी बना ले, जो आज है वो कल होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो कुछ इस हिसाब से आपको आंसर को लिखना है। मैं पूरा आंसर आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो आप अपने एंड पे रीड कर ही सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको केस स्टडी को पढ़ना है, और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पूछा हो तो कैसे सीधे आपको आंसर को लिख के आना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये जो रमेश शर्मा वाला जो क्वेश्चन है वो ये था। लेट अस कम टू द थर्ड पार्ट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क थ्रू चेंजेस इन एनवायरमेंट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट डिस्कस इज बेनिफिट्स। ओ हो, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था वो था लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और ये जो क्वेश्चन है इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या क्या थे? सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको प्रोएक्टिव बनाता है रादर देन जस्ट बींग रिएक्टिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्योंकि एनालिसिस इन्वॉल्व है, ये आपको आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को पहचानने में हेल्प करेगा और आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिलाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो जो बेनिफिट्स वाला जो आंसर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का वो यहाँ पे आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो चैप्टर वन से जो जो दो क्वेश्चन थे बेसिकली देर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट, दैट इज द चैप्टर टू से ये जो दो क्वेश्चन उस पर आते हैं। सबसे पहले फोर्थ वाला, श्रीधर हु इज रनिंग अ मीडियम साइज क्लॉथ बिजनेस इन पानीपत विशेष टू अंडरस्टैंड द ड्राइविंग फोर्सेस दैट ट्रिगर चेंज। ही हैज सॉट एडवाइस फ्रॉम यू एंड विशेष टू नो कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस। क्या आंसर पूछा हुआ है? कि श्रीधर है कोई जिसका पानीपत में क्लॉथ का बिजनेस है, ओके, उसको ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में जानकारी चाहिए जो कि आपके इंडस्ट्री में चेंज ला सकते हैं। आपको ध्यान देना क्वेश्चन कहां से आ रहा है। ही हैज सॉट योर एडवाइस अबाउट व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस। सो लेट अस गो टू आवर समरी चार्ट्स ऑफ योर चैप्टर नंबर टू। सो ये रहा आपका चैप्टर नंबर टू। आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल है, यस। तो ये रहा चैप्टर नंबर टू। इसमें से अगर आप देखो तो इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ये जो पार्ट है ना, यहां पे देखिए नीचे ट्रिगर्स ऑफ चेंज, इस पार्ट से ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आया हुआ है। फिर चाहे वो श्रीधर हो, रचेंद्र हो, अमित हो, विपिन हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या पूछा हुआ है? व्हाट आर द सम ऑफ द कॉमन ड्राइविंग फोर्सेस दैट ट्रिगर्स ऑफ चेंज। तो सर, ट्रिगर ऑफ चेंज क्या होता है? कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं मार्केट में कि जिसकी वजह से आपकी पूरी इंडस्ट्री में चेंज आ सकता है। सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स ऑफ चेंज। तो सर, इसका आंसर क्या आएगा? कॉमन वाले जो हर इंडस्ट्री को एप्लीकेबल होंगे। सो वी आर ऑन द आंसर ऑफ ट्रिगर्स ऑफ चेंज। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या चेंज होने की वजह से आपका पूरा इंडस्ट्री पे इफेक्ट होता है? सबसे पहला होता है चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, ये बहुत बड़ी बात होती है कस्टमर प्रेफरेंस। उसके बाद चेंज इन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, चेंज इन इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। सर क्या मतलब है इसका, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट? जैसे अब गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बने, तो जो फ्यूल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर जो लोग कर रहे हैं ना, उनका फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो वो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एलईडी, एलईडी वाले जो लाइट है अब उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा नहीं है, बाय बिकॉज द फ्यूचर इज ऑफ सोलार पावर। तो आपकी जो इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ रेट कितना है, क्या वो कम होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, उसके हिसाब से आपकी पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट गिरेगा। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर ऑफ चेंज हो सकता है। अगला होगा गवर्नमेंटल पॉलिसीज, या सिंपल भाषा में लिख लो गवर्नमेंट पॉलिसीज। सर इसका क्या मतलब है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने हमेशा क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि नितिन जी गडकरी ने कहा है कि बाय द 2025 इंडिया के रोड्स पे चलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो गवर्नमेंट का ये जो इंटेंशन है, गवर्नमेंट का ये जो अनाउंसमेंट है,
क्या ये पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे इफेक्ट करेगा, क्या ये एक बड़ा ट्रिगर ऑफ चेंज है? आंसर इज यस। तो कुछ इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है, कुछ और लिख दे तो एक हाथ पॉइंट और लिख लेते, इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन। सी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन की कंपनीज, आउट ऑफ इंडिया की कंपनीज इंडिया में आएंगी तो उतना मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे इंडिया में अमेजोन धमाका कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी बाहर की कंपनी है, पेटीएम में भी 43% से ज़्यादा स्टेक अलीबाबा का है। तो जितनी बाहर की कंपनियाँ इंडिया में आएंगी, क्या उस एक स्पेसिफिक रिटेल सेगमेंट में इंडिया में धूम मची हुई है? आंसर इज यस। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसमें आज इंडिया में नंबर वन पे कौन है? शाओमी, जो कि चाइनीज कंपनी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो जितना ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह से वो एक ट्रिगर है आपके इंडस्ट्री को चेंज करने वाला? द आंसर इज यस। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपसे पूछा हुआ। अब इसका डिटेल आंसर जो है वो आप नोट से पढ़ सकते हो, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ये था फोर्थ वाला आंसर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मतलब वो लिस्ट काफी लंबी है तो हमको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 4 मार्क के लिए आपको आंसर आता है तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर 6 मार्क के लिए आपको आंसर आता है तो आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं। मेक इट अ पॉइंट दैट कि वॉट एवर, फॉर जितने मार्क्स के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है ना, फॉर वॉट एवर मार्क्स द क्वेश्चन इज कमिंग, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू बी ऑन अ सेफर साइड। ये एक मोटा मोटी तौर पे यही रेशियो चलता है। आगे अब हम इस पे जाएंगे। मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज, कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। डिस्कस, यहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कोर कॉम्पिटेंसी आप जानते हो क्या होता है, वो मेनली इन 3 चीज़ों में पाई जाती है, कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। तो 3 हेडिंग आपको देना है और उनको आपको 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। सो लेट अस सी द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द आरटीपी इटसेल्फ। 5th नंबर का वो आंसर था। ओके, सो देखिए, कॉम्पिटेटिव डिफरेंशिएशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, कस्टमर वैल्यू को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, एंड एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स को भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो क्या कह रहे हैं वो, कंपिटेटर कोर कॉम्पिटेंसी जो होती है वो मेनली 3 एरिया में पाई जाती है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, इन्होंने खुद ही छाप के आपको दे दिया है। सी, दिमाग लगाना भी नहीं, दिमाग कहाँ लगाना, इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। जब उन्होंने दे रखा है आपको कि कंपिटेटर डिफरेंशिएशन, कस्टमर वैल्यू एंड वॉट इट वॉज एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, इसमें कोर कॉम्पिटेंसी को लेकर आपको डिस्कशन करना है और हर एक पॉइंट को 3 से 4 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। सिंपल, दैट्स इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आएगा आपको, आराम से रीड कर लोगे। देखिए, मैं हर आंसर के डीप में नहीं जा सकता बिकॉज एक वीडियो के टाइम का भी लिमिटेशन होता है। मेरा मेन इंटेंशन है कि आप ये समझ जाओ कि क्वेश्चन को इंटरप्रीट कैसे करना है और उसको सोचना कैसे। कंटेंट और उसका रीडिंग वो तो आपका अब तक हो ही चुका होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो वो 5th क्वेश्चन था, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप एवरीथिंग इज अ बिट क्लियर, राइट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, अब चैप्टर नंबर 3 से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला देखते हैं, मिस्टर राज, राज एंड राहुल काफी पॉपुलर नाम है। आगे देखते हैं, मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज द सीईओ बाय XYZ लिमिटेड, FMCG कंपनी दैट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। ओके, द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स। अच्छा, कुछ नया ब्रांड ये लोग लॉन्च करने का सोच रहे। आगे बढ़ेंगे, XYZ विशेष टू एनरिच द लाइफ ऑफ पीपल विथ इट्स प्रोडक्ट्स दैट आर गुड फॉर स्किन एंड आर प्रोड्यूस्ड इन इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर यूजिंग हर्बल इंग्रीडियंट्स। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मेन क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, क्या पूछ रहे? ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट दैट मे बी फॉर्मुलेटेड बाय राज। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। राज को एक आदमी है, उसको XYZ कंपनी लिमिटेड के CEO के पद पे नियुक्त किया गया है। ये कंपनी ने फिलहाल में FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डाइवर्सिफाई किया है, और ये कंपनी क्या चाहती है, फील गुड एक नया ब्रांड अब ये लॉन्च करना चाहते हैं, और उसके तहत ये कॉस्मेटिक्स को लॉन्च करना चाहते हैं।
मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ आपके साथ फैक्ट्स ऑफ द केस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाए। हमको क्या चाहिए? विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। अब सर विजन क्या होती है? सर विजन क्या होती है? लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फैक्ट्स ऑफ द केस, उसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। तो इनको फील गुड ब्रांड एक नया लॉन्च करना है जो कि कॉस्मेटिक्स बनाएगा और इकोलॉजिकल वे में उसको बनाएगा, जिसमें मतलब वो आयुर्वेदा वाला फील आएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पे। अब मिस्टर राज को यहाँ पे क्या बनाना है? विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट अपने को उसको बना के देने का है। तो सर क्या करें? तो इससे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि विजन क्या होती है। सर विजन इज द अल्टीमेट थिंग दैट द कंपनी वॉन्ट्स टू बिकम। करेक्ट। विजन क्या होती है? एक कंपनी क्या बनना चाहती है वो होती है विजन, और वो कंपनी उस विजन तक कैसे पहुंचेगी वो होता है उसका मिशन। तो बेसिकली विजन इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, राइट? विजन इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड मिशन इज योर प्रेजेंट बिजनेस मॉडल। मिशन क्या होता है? आपका बिजनेस मॉडल होता है। तो अब इसके रिलेटेड आप मिशन विजन स्टेटमेंट क्या बनाओगे? तो विजन स्टेटमेंट में ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, ये जो फील गुड ब्रांड है, इसको इंडिया का टॉप कॉस्मेटिक केयर कंपनी बनाना चाहती है, कुछ इस हिसाब से उनका विजन है। तो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? कॉस्मेटिक बना रहे जो बेनिफिशियल होगा इकोलॉजिकली, उसमें आयुर्वेद का आएगा। हम कस्टमर के लिए आयुर्वेदिक का उसमें इस्तेमाल करेंगे, उसमें कॉस्मेटिक में हम केमिकल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये आएगा आपके मिशन स्टेटमेंट का पार्ट। सो लेट अस सी द आंसर कि इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे लिखा हुआ है, ताकि आपको एग्जैक्ट इस चीज़ का पता चले। सो वी आर ऑन द सिक्स पार्ट। देखिए विजन स्टेटमेंट क्या है? फील गुड कॉस्मेटिक एज इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी, इट मे हैव विजन टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर दैट इम्प्रूव लुक्स, गिव एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। जैसा कि मैंने कहा, विजन अल्टीमेट होता है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो फील गुड ब्रांड के अंडर एक्स वाई जेड कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पर्सनल हेल्थ केयर कंपनी बनना चाहती है। मिशन स्टेटमेंट में क्या होगा सर? आप इसको रियलिटी में, आपकी विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? वो उस जो करोगे, जो एक्टिविटीज है, वो आपकी मिशन स्टेटमेंट में आएंगी। तो देखिए मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या होगा। मिस्टर राज मे हैव द फॉलोइंग लाइन्स इन द मिशन स्टेटमेंट, टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स टू एनहांस द लाइफ ऑफ पीपल, गिविंग दम कॉन्फिडेंस टू लीड, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एनवायरमेंट, टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स। मैंने बताया ना आयुर्वेदा वाला फील चाहिए। देखो लिख लिया उन्होंने मिशन स्टेटमेंट में। आया आपको आइडिया कि विजन स्टेटमेंट कैसे होता है और मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? ओके, तो ये था आंसर मिशन विजन के रिलेटेड। सेवेंथ आंसर पे हम लोग बढ़े हैं। विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल एक्सप्लेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ऐसे लॉलीपॉप अगर आपको पेपर में आते हैं ना, उसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो कहाँ से आया है सर ये आंसर? चैप्टर नंबर 3 इन्होंने लिख के दिया है। ओ, सो लेट अस गो टू चैप्टर 3 एंड सी। तो चैप्टर 3 में हम लोग जाएंगे। लेट मी जस्ट ओपन अप द नोट्स। ओके, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। उसमें से विजन मिशन क्या था वो तो हमने देख लिया। अभी आगे बढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के ऊपर। ये क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पार्ट से आया हुआ है। सी देखिए, ईआईएस और एसएमए कैसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे अगर आपको ये पहचानते आ गया ना कि क्वेश्चन चैप्टर के किस पार्ट से आया है, तो एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से उसको लिख पाओगे। सो ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पार्ट से आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा पार्ट है, और ये है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। इसी पे आपका जो है वो क्वेश्चन, ये जो डायग्राम अभी आपको दिख रहा है, इसी पे आपका जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या सर हमको डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है? मैं कहूँगा जहाँ कहीं भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अगर आपको मौका मिले, आपको 100% डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करने का मौका है। स्वॉट एनालिसिस में अगर आता है तो वहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। टॉस एनालिसिस आता है, वहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे मौके हैं और चैप्टर नंबर 3 में कुछ एक ये मौका है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है? सिंपल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप होता है विजन विजन मिशन स्टेट करना। तो देखिए डेवलपमेंट ऑफ योर विजन एंड मिशन। उसके बाद होता है एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना। सो दैट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद
आपको स्ट्रेटजीज को बनाना पड़ता है, राइट? सर, स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है? कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, याद आ रहा है क्या? कॉरपोरेट लेवल में आपने क्या क्या पढ़ा था? स्टेबिलिटी, उसके बाद लिक्विडेशन, याद आ रहा है? ग्रोथ एक्सपांशन। बिजनेस लेवल में क्या आ रहा था सर? माइकल पोर्टर वॉज देयर, यस, राइट। फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन चैप्टर 8, अर्न स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, ऑडिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो ये वाला वो पार्ट है। तो बेसिकली ये आंसर लिखने के लिए जो कंटेंट है ना, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो और हर एक बॉक्स का जो कंटेंट है वो हेडिंग है, उसके नीचे उस हेडिंग को 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो एंड द आंसर इज ऑटोमेटिकली रेडी। आ रहा है समझ में कैसे आपको आंसरिंग करना है? ओके, सो वी आर अगेन बैक ऑन योर आरटीपी। सो ये था चैप्टर नंबर 3 से कुछ क्वेश्चंस। अब बनेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। ये कुछ केस स्टडी दिख रही है, इस पे जाएंगे। पिज्जा गैलरिया वॉज इंडियाज फर्स्ट पिज्जा डिलीवरी चेन एंजॉइंग मोनोपली फॉर सेवरल ईयर्स। अच्छा, हावेवर आफ्टर एंट्री ऑफ मोडिनो एंड अंकल जैक, ये कोई दो नए कॉम्पिटिटर आए, मोडिनो एंड अंकल जैक, इट इज स्ट्रगलिंग टू कॉम्पीट। कौन स्ट्रगल कर रहा है? अपना पिज्जा गैलरिया जो भारत का है। बोथ मोडिनो एंड अंकल जैक हैव ओपन सेवरल ईटरीज एंड प्राइज प्रोडक्ट एग्रेसिवली। इन द लास्ट 4 ईयर्स द चेन हैज सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस। कौन से चेन ने लॉसेस सफर किया है? मोडिनो, अंकल जैक, कौन था वो? हाँ, अंकल जैक या अपना पिज्जा गैलरिया। पिज्जा गैलरिया ने लॉस सफर किया ऐसा वो बोल रहे हैं। आपको क्या करना है, जब भी ये आता है ना केस स्टडी, यू ड्रॉ डायग्राम, यू ड्रॉ डायग्राम। मतलब सर आपको इसमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? अपने भारत का कौन था? पिज्जा गैलरिया। बाहर से कौन आया? मोडिनो आया एंड अंकल जैक। अब इन दोनों के मार्केट में आने की वजह से पिज्जा गैलरिया को लॉसेस होने लगे, उसको कंपटीशन करने में स्ट्रगल हो रहा है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द चेन विशेष टू नो वेदर दे शुड गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। लिस्ट आउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। फिर से केस स्टडी के माध्यम से यहाँ पे आईसीआई ने आपसे पूछ लिया है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि केस स्टडी देख के आपको घबराना नहीं है, उसको आराम से पढ़ो। लास्ट में नॉर्मली आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में आपको पूछा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑन वॉट आर द स्टेप्स ऑफ अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, राइट? तो चलिए इसको देखेंगे, अपने नोट से ही देखेंगे, तो ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। जो स्टूडेंट अब हमसे पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिवीजन है, जो नहीं पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये रिवीजन है, देर इज नो डिफरेंस एज वेल। तो भाई ये था चैप्टर नंबर 4 से, लेट मी जस्ट गो टू चैप्टर नंबर 4। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कहाँ गई? स्टेप्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, देखिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। तो क्या पूछा हुआ है? अपना ये क्वेश्चन किसके लिए पूछा हुआ है? पिज्जा गैलरिया। तो पिज्जा गैलरिया को क्या टर्न अराउंड करना चाहिए? आंसर इज येस, बिकॉज जब आपके बिजनेस में लॉसेस होते हैं, आपको निगेटिव कैश फ्लो दिखाई देता है, बहुत ज्यादा आपका कैपिटल इरोड हो चुका है, उस टाइम पे आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मैं सही करूं बिजनेस में, ताकि मेरा बिजनेस सही से मतलब प्रॉफिटेबल बने। तो ये जो आप कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि येस, पिज्जा गैलरिया हैज़ टू गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज, और फिर आपको लिखना है कि पिज्जा गैलरिया ने इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो वो स्टेप्स क्या है सर? यहाँ पे इस आंसर में लिखा हुआ है। व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहला, असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजिक प्लान, इम्प्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो आपको लिखना, ये स्टेप्स लिखने के बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन कैसा देना है। पिज्जा गैलेरिया अगर इन स्टेप्स को फॉलो करता है तो वो एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही तरीके से मिला है। सो दैट वॉज द आंसर टू योर पिज्जा गैलेरिया क्वेश्चन। आगे 9th क्वेश्चन पे मैं हूँ, दैट इज दिस क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द रीजंस टू परस्यू स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है? तो आपको लिखना कैसे, इट इज वन ऑफ द कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना होता है कॉन्सेप्ट का। मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखना है, आंसर क्या लिखना है और उसका कंटेंट और उसका रीडिंग वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो।
मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको सोचना है और कैसे उसको लिखना है। तो सर सर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी आपको लिखना है कि इट इज़ वन ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही करता है, इट डज नॉट गोज इनटू न्यू बिजनेस, कोई नया ग्रोथ एक्सपांशन नहीं कर रहा, वो जहाँ है अपनी पोजिशन को मेनटेन कर रहा है, राइट। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द रीजंस स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्यों ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं? तो सर उसके लिए तीन से चार रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि द एनवायरमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग इज स्टेबल, दिस इज द फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ लेस रिस्की स्ट्रैटेजी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क नहीं लेना चाहता वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पे काम करेगा। नेक्स्ट रीजन क्या था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मैच्योरिटी के स्टेज पे जा चुका है, इसीलिए भी आप स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को यूज करोगे। और लास्ट रीजन था, क्या याद आ रहा है क्लास से? बताओ जरा क्या था। जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, याद आना ही चाहिए। क्या था लास्ट रीजन? कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी तब लगाते हैं जब आप चाहते हो किसी के साथ कंसोलिडेट होना, तो बट कंसोलिडेशन के पहले आपको स्टेबिलिटी आना जरूरी है, राइट। तो ये कुछ रीजंस थे आपके स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को परस्यू करने के। सिंपल ऐसे आंसर आते हैं तो भाई मार्क्स तो स्कोर करना ही चाहिए आपने। तो ये था कॉर्पोरेट लेवल चैप्टर नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे बिजनेस लेवल, मतलब माइकल पोर्टर आ गया यहाँ पे। एक और केस स्टडी, अ सेंचुरी ओल्ड, में क्वेश्चन नंबर 10 पे हूँ, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, राइट। अ सेंचुरी ओल्ड फुटवेयर कंपनी मोटा शूज, अच्छा कोई फुटवेयर कंपनी जिसका नाम है मोटा शूज और वो सदियों से बिजनेस कर रहा है, नॉट सदियों से, बस 100 सालों से तो कर ही रहा है। मोटा शूज हैड एन इमेज ऑफ बींग फुटवेयर चॉइस फॉर फॉर्मल ओकेजन्स, अच्छा। इन एन अटेम्प्ट टू री इन्वेंट इट्स ब्रांड, इट टाइड अप विथ फॉरेन फुटवेयर जायंट बफरीन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट्स हाइडसिक ब्रांड इन द कंट्री। क्या क्या लिखा हुआ है सर? मोटा शूज ये भारतीय कंपनी है जो कि फॉर्मल शूज के लिए इंडिया में फेमस है। अब वो चाहता है कि थोड़ा सा नयानेस उसके उसके ब्रांड इमेज को वो चेंज करना चाहता है, और इसके लिए उसने बफरीन नामक कोई कंपनी है बाहर से, उसका हाइडसिक ब्रांड को वो इंडिया में सेल करना चाहता है। कौन सेल करना चाहता है? मोटा शूज। आगे देखो, पुटिंग इट्स बेस्ट फुट फॉरवर्ड इट लॉन्च्ड एक्स्ट्रा सॉफ्ट कैजुअल एंड रिलैक्स्ड फुटवेयर फॉर यंग। ये लॉन्च किसने किया सर? मोटा शूज ने। एमिंग एट अ ब्रांड एंड इमेज मेक ओवर द मोटा शूज डिसाइडेड टू प्राइस द हाइडसिक प्रोडक्ट एट अ प्रीमियम, मतलब महंगा कोट कर रहे हैं। What kind of Michael Porter business level strategy is being used by Mota Shoe Company? State it advantages. तो सबसे पहले दिमाग में लाइट लगना चाहिए कि Michael Porter ने तीन जेनरिक स्ट्रैटेजीज बताई है। चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ चुके हो। कौन कौन सी तीन जेनरिक स्ट्रैटेजी है? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रैटेजी। तो उनमें से किसी एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे मोटा शू ने यूज किया है, आपको उसको पहचानना है। पहचान कौन, यही आपको करना है, और उस स्ट्रैटेजी के बेनिफिट आपको बताना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन ऐसा है, तो लेट अस एनालाइज। मोटा शो एक अपनी भारतीय कंपनी है जो सदियों से बिजनेस कर रहा है भारत में, उसका इमेज कैसा है मार्केट में? फॉर्मल शूज के लिए वो जाना जाता है। अब वो क्या कर रहा है कि अपने ब्रांड को थोड़ा सा नयापन देना चाहता है, थोड़ा सा कैजुअल वेयर में जाना चाहता है। तो उसने क्या करा, बफरीन नामक कोई एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर है, उसका हाइड एंड सीक ब्रांड है, उसके अंडर ये जो हमारी भारतीय कंपनी है ना मोटा शूज, वो एक नया रेंज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है अंडर द ब्रांड नेम हाइड एंड सीक। और इसके लिए उसने क्या करा, हाइड एंड सीक का जो प्राइसिंग है वो प्रीमियम रखा। कैसा रखा? प्रीमियम, मतलब महंगा किया। तो बताइए दोस्तों कि ये जो स्ट्रैटेजी मोटा शू ने इस्तेमाल करी है अंडर द ब्रांड ऑफ हाइड एंड सीक, ये कौन सी है? कॉस्ट लीडरशिप फोकस्ड है या डिफरेंशिएशन है? कॉस्ट लीडरशिप तो डेफिनेटली नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है ना प्रीमियम चार्ज कर रहा है। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है? सबसे सस्ता बेचना, यही आपका इंटेंशन है। तो सस्ता बेच रहे हो क्या आप? आंसर इज नो। तो कॉस्ट लीडरशिप तो है ही नहीं। लेट अस गो टू डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या कहती है? कि आपको मार्केट में एक नया प्रोडक्ट देना है, कुछ तो हटके प्रोडक्ट देना है, और इसके लिए आप उसकी प्राइसिंग महंगी रख सकते हो। तो मोटा शू अभी तक फॉर्मल के लिए जाना जा रहा था, अब वो जाना चाहता है खुद को, मतलब
अभी तक तो उसको लोग क्या पहचान रहे थे, फॉर्मल शू, अभी वो चाहता है कि लोग उसको क्या बोल के पहचाने, कैजुअल वेयर के लिए भी वो जाना जाए। तो इसके लिए उसने क्या करा, हाइड एंड सीक ब्रांड को लाया और महंगा प्राइस रख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसिएशन जैसा लग रहा है। अब बात करेंगे फोकस स्ट्रेटेजी की, क्या ये स्ट्रेटेजी फोकस्ड है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मोटा शू पूरे भारत में बिजनेस कर रहा है, तो द एरिया द स्कोप ऑफ बिजनेस इज ब्रॉड, इट इज नॉट नैरो। अगर नैरो है तो फोकस्ड है, ब्रॉड है तो फोकस नहीं है। तो कॉस्ट लीडरशिप भी गया, फोकस भी गया, तो ऑप्शन क्या बचा, डिफरेंसिएशन स्ट्रेटजी। समझ में आ रहा है? तो आपको लिखना क्या है कि मोटा शू हैज द स्ट्रेटजी दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मोटा शू इज माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी में, कि एक स्ट्रेटजी इसका नाम क्या है, डिफरेंसिएशन स्ट्रेटजी। और सर उसके बेनिफिट्स क्या है, वही अपने माइकल पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। लेट अस गो टू दिस आंसर, 10th नंबर के क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं। देखिए आ गया क्वेश्चन में, दिख गया आपको, मोटा शू इज यूजिंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, और सर क्या बेनिफिट है उसको, उसको बेनिफिट कौन कौन से है माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल के, क्या है 5 पॉइंट, राइवलरी, सप्लायर, बायर, न्यू एंट्रेंस एंड सब्स्टिट्यूट्स। तो इन पॉइंट्स के ऊपर से आपको उसके बेनिफिट लिखने हैं। आर यू गेटिंग कि कैसे आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है? राइट, तो ये था आंसर आपके, कौन सा, माइकल पोर्टर वाला। इसको छोटा कर देते हैं, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो ये था 10th वाला क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 11th वाला क्वेश्चन पे। तो टोटल देर आर 17 क्वेश्चन, हम लोग काफी नजदीक है। बायर कैन एग्जर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन बिजनेस, मैं 11th क्वेश्चन पे हूँ। बायर कैन एग्जर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन बिजनेस, डू यू एग्री, डिस्कस। क्या पूछ रहे हैं वो, कि क्या आपके ग्राहक आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं? आंसर इज यस, हाँ। आप एग्री करते हो क्या? एग्री आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिकॉज अगर आप एग्री नहीं करोगे तो क्वेश्चन तो एक वर्ड में खत्म हो जाना है। तो सर इसका आंसर क्या है कि यस वी डू एग्री दैट बायर एग्जर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द बिजनेस। सर इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, वही अपना माइकल पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल। तो सर इसका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि अगर बायर को बहुत सारे सप्लायर मिलते हैं ना, जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो, कोई आलू बेचने वाला, सेलर ए सॉरी सेलर ए बी सी डी चारों लोग मिलके आलू बेच रहे हैं और बायर एक ही है, तो आपको क्या लगता है बार्गेनिंग पावर ज़्यादा किसकी होगी, बायर की का या सेलर की? 100% द बार्गेनिंग पावर इज ज़्यादा विद द बायर, बिकॉज अगर सेलर ए प्राइस कम नहीं करेगा तो बायर सेलर बी के पास जाएगा, सेलर बी प्राइस नहीं कम करेगा तो बायर सी के पास जाएगा। तो बायर के पास ऑप्शन है बट सेलर के पास ऑप्शन कम है, तो इस हिसाब से आपको इस आंसर को प्रेजेंट करना है। राइट, कंटेंट आप आराम से अपने एंड पे इसको रीड कर लेना, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात की तो वो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 12th क्वेश्चन। अ वेब कंपनी इनिशियली स्टार्टेड एज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर बुक्स, ओके। फ्रॉम द बिगेस्ट ई कॉमर्स बुक स्टोर, इट्स ओनर वॉन्ट्स टू एक्सपांड इंटू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नीड्स एडिशनल फंड्स। करेक्ट है भाई, जब आपको बिजनेस चेंज करना है तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर, अच्छा ये मेन क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेजिंग फंड्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी विच यू एज अ फाइनेंशियल मैनेजर विल कंसिडर। यार ये क्वेश्चन तो आपके लिए फेवरेट बनना चाहिए, इसमें डिफिकल्टी वाली कोई बात ही नहीं है। आप तो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और आप तो ग्रुप टू का ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नॉलेज है ही, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट व्हाट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरीथिंग। वो जब कैलकुलेशन करते हो, वो जो आपने प्रैक्टिकल कर रखा है उसका पूरा थियरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा है पे? आपको आंसर कैसे करना है, कोई एक वेब कंपनी है वो ऑनलाइन बुक सेल करता था अब तक, मैं आपको फैक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी अब वो अपने प्लेटफॉर्म से सेल करे, अब इसके लिए उसको फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए उसको, तो उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बोला है कि एज अ फाइनेंशियल स्ट्रेटजिस्ट आप बताओ कि इसको कौन कौन से सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है और इन सोर्सेस में से क्या क्या किस स्ट्रैटेजीज को उसको ध्यान रखना है। तो चैप्टर नंबर 7 से सॉरी चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आया हुआ है,
तो चैप्टर नंबर सिक्स में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है ना। चैप्टर नंबर सिक्स का नाम क्या है बताएं जरा। जी हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है चैप्टर नंबर सिक्स का? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। कितनी टाइप की स्ट्रैटेजीज है उस चैप्टर में? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फिनेंशियल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी, एचआर स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? उसमें से जो फिनेंशियल स्ट्रैटेजी वाला जो पार्ट है, उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, उस पे ये आंसर आया हुआ है। तो सर इसके आंसर को हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे? सो लेट मी जस्ट शो यू क्विकली कि होगा कैसे। आप फिनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, आप इस चीज को जानते ही हो। एक तरफ आपको आंसर में प्रेजेंट करना है कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, और आंसर के दूसरे पार्ट में आपको क्या लिखना है, इस सोर्सेस को ध्यान में रखते हुए आपको किन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करना है। सो टेल मी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मुझसे बेहतर आप जानते हो। सबसे पहला सोर्स होता है इक्विटी, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, फिर होता है आपका डिबेंचर्स, फिर होता है आपका डेप्ट। अब डेप्ट में दो टाइप हो सकता है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। आ रहा है समझ में? कुछ इस हिसाब से। और क्या हो सकता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस? सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स। बहुत सारी आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ पार्ट को सेल करके भी तो आपको पैसा मिलेगा, तो सेल ऑफ एसेट्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद क्या सर? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके बिजनेस एक रनिंग बिजनेस है और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, तो प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो आप कैश जनरेट कर ही रहे हो ना, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। आई अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आंसर का फर्स्ट पार्ट में आपको लिखना है कि इतने टाइप के सोर्सेज है आपके फाइनेंस के। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल पे खासा ध्यान देना होगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या सर, क्या हमें यहाँ पे आप मतलब कुछ कैलकुलेशंस करके बताना है? आंसर इज नो, आपको सिर्फ थियोरी लिखना है। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको अपनी फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है ना? आपको चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर वाला आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता ही है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप कैलकुलेट नहीं करते वैक का टेबल, तो उसका थोड़ा सा थियोरी पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है। और क्या है सर? फैक्टरिंग, जानते हो फैक्टरिंग क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखा होगा आपने। फैक्टरिंग क्या होता है कि अगर आप अपने डेटर्स जो आपके होते हैं ना डेटर्स, उनका अर्ली कलेक्शन करना चाहते हो, पैसा जल्दी उनसे लेना चाहते हो, तो मार्केट में ऐसी एजेंसीज अवेलेबल है कि वो आपको आपके डेटर का पैसा दे देगा और आपके डेटर से पैसा वो कलेक्ट करेगा। तो वो जो एजेंसी है उसको हम कहते हैं फैक्टर। तो ये फैक्टरिंग वाला भी स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इतना थियरी पार्ट इस आंसर में आना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट कि कैसे इसको, इस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के आंसर को आपको लिखना है? सिंपल, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और उनको लगने वाली स्ट्रैटेजीज। ओके, तो ये था आंसर 12th का। अब हम लोग जाएंगे 13th वाले क्वेश्चन पे। इंप्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल स्टेप्स डिस्कस। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपको याद आ रहा हो, कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना फेवरेट वाला पार्ट है आईसीआई का। बिकॉज आईसीआई क्या करता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसका फेवरेट पार्ट है, बिकॉज वो ईआईएस में भी है, वो एसएम में भी है। तो यहाँ पे आपको एसएम वाले स्टेप्स लिखने हैं। सो लेट अस रिवाइज दो स्टेप्स, सीधा हम लोग आंसर पे बढ़ेंगे। याद आ रहा है? प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका सप्लायर कस्टमर को डिलीवर करना, ये ऐसी वाली स्टेप्स है वहां पे उस आंसर में। सो लेट अस गो टू दैट ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। देखिए, स्टेप्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आउटसोर्सिंग, कस्टमर सर्विस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। याद आना मैंने क्या बोला था? प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट से लेकर के तो कस्टमर को डिलीवरी देने तक नहीं, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को भी कवर करते हैं, और इस कंप्लीट चेन को हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई अंडरस्टैंडिंग? तो बस उसकी स्टेप्स आपको याद करनी है और लिखनी है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो टेस्ट पेपर हमने देखे, जो हमने रखी थी ना टेस्ट सीरीज, अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है सभी स्टूडेंट्स से हमको। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारी 1 अक्टूबर की टेस्ट सीरीज को अटेंड कर चुके हैं, बिग थैंक यू।
हमारी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की जो डेट है दैट इज 11th ऑफ अक्टूबर एंड 21st ऑफ अक्टूबर 2019। ये टेस्ट सीरीज को आप जाके जो है वो आराम से देख सकते हो। और उसको देना कैसे है, उसमें क्या क्या, उसकी बहुत ही नॉमिनल सी फी हमने रखी, दैट इज जस्ट ₹250। उसका डिटेल लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप उसको चेक कर लेना। चलो, लगे हाथ जो है वो मार्केटिंग भी हो ही गई। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता था कि जो टेस्ट पेपर्स के आंसर्स मैंने देखे स्टूडेंट्स के, मैंने देखा कि स्टूडेंट्स ना ये हेडिंग लिखने के बाद उसको अंडरलाइन नहीं करते। आपको क्या प्रॉब्लम मुझे बताइए, अंडरलाइन कीजिए, उसको प्रॉपरली हाईलाइट कीजिए, डबल डॉट लगाइए एंड देन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द पॉइंट्स। सी, एग्जामिनर ना आपके आंसर में ये ढूंढ रहा है कि क्या आपने वही लिखा है जो सजेस्टेड आंसर में लिखा है। तो मेक योर आंसर मोर विजिबल। अगर उसमें सब हेडिंग है तो उसको अलग से लिखो, अंडरलाइन भी करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को लिखो। थोड़ा प्रेजेंटेशन पार्ट भी आपको जो है वो अच्छे से देखना पड़ेगा। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इसे बहुत जल्द मेरा वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून रहिए, आ जाएगा, जब आ जाएगा तब देख लेना। सर, वो कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है, जाके बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको पता चलेगा। तो ये था आंसर उस क्वेश्चन का। ओके, तो अभी हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे। जुपिटर इलेक्ट, मैं 14 के क्वेश्चन पे हूँ। जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू कम आउट विद पाथ बेकिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, जुपिटर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई कंपनी है जो बहुत ही फाड़ू टाइप के बनाती है प्रोडक्ट्स। ओके, दो द वर्क एनवायरमेंट एट जुपिटर इज रिलैक्स्ड एंड कैजुअल, येट देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डेडलाइंस। अच्छा, द एम्प्लॉयज बिलीव इन वर्क हार्ड प्ले हार्ड, वर्क हार्ड प्ले हार्ड इथिक। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द फॉर्मल एंड हायरार्किकल सेटअप टू अ मोर रिजल्ट्स ड्रिवन अप्रोच। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन हैज मूव अवे फ्रॉम द फॉर्मल हायरार्किकल सेटअप टू अ मोर रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच। एम्प्लॉयज आर कमिटेड टू स्ट्रेटजीज एंड वर्क टूवर्ड्स अचीविंग देम। दे गार्ड इनोवेशंस, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी इन द वर्किंग, जो कि अच्छी बात है। दे आर क्लोजली रिलेटेड टू वैल्यूज, प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वॉट एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर बींग डिस्कस्ड एक्सप्लेन। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 से एक क्वेश्चन आया हुआ है। सो लेटस, अब देखो आपको सोचना कैसे है। सो लेटस, लेट मी ओपन द समरी चार्ट्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 7। फटाफट से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि हम झटाझट से इसको देख ले। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाला ये जो चैप्टर, इस पे से क्वेश्चन आया हुआ है। लेट अस सी, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या बोला हुआ है। जुपिटर लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि सही प्रोडक्ट्स बनाती है बहुत। उसके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उन, वो कौन से कल्चर में काम कर रहे हैं? वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा काम करो और एन्जॉय भी उतना करो। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ये कल्चर ऑफिस में। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, वो हायरार्किकल और फॉर्मल अप्रोच से ज़्यादा जुपिटर लिमिटेड अब रिजल्ट्स ड्रिवन अप्रोच पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। ओके, और पूछा क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एस्पेक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो लेट अस सी, जो पूछा हुआ है वो चैप्टर नंबर 7 से हमको कहाँ दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये आंसर हो गया, आंसर इज नो। लीडरशिप बेस्ड पे भी ये क्वेश्चन नहीं है। स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर, कुछ कल्चर वल्चर की बात हो रही है यहाँ पे। आंसर इज येस, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर। तो सर, इस क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे, आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक सपोर्टिव कल्चर। अब इस पार्ट में हमको क्या बताया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई कल्चर है, कल्चर इज अ डिफरेंट थिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आपका कल्चर और आपकी स्ट्रैटेजी अगर साथ में जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स जबरदस्त होते हैं। अगर आपका कल्चर और आपका स्ट्रैटेजी अगर 360 डिग्री है, दोनों साथ में नहीं है, तो स्ट्रैटेजी कुछ और चाह रहा है बट कल्चर कुछ और ही चाह रहा है, तो वो रबर बैट की तरह आपका ऑर्गेनाइजेशन खींचता रहेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है। तो जुपिटर लिमिटेड में क्या हो रहा है सर, उनके वहाँ पे कल्चर क्या है, वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, काम भी ज़्यादा करो एन्जॉय भी करो। और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या हो रही है, मोर टूवर्ड्स रिजल्ट ड्रिवन स्ट्रैटेजी। देखिए, कल्चर और स्ट्रैटेजी
कहीं ना कहीं साथ में ही जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट डेफिनेटली बढ़ने वाला है और इस लाइन पे आपको अपने इस आंसर को लिखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वो सर क्या लिखना है वो आप आराम से अपने एंड पे रीड कर लेना। रीडिंग पार्ट इज योर पार्ट, एक्सप्लेनिंग दैट कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैसे लिखना है, वो जिम्मेदारी मेरी है, राइट? आगे बढ़ेंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ग्लास स्ट्रक्चर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा हम लोग यहीं से कर लेंगे। तो क्योंकि सर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, डिस्कस आवर ग्लास स्ट्रक्चर, तो सर क्या हमको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए? आंसर इज यस, मौका मिला डायग्राम छाप के आ जाओ। तो सर आवर ग्लास स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या? चलिए मैं ही आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। क्या है, कुछ बच्चे शक करते कि सर आपको नहीं आ रहा है क्या? तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। आवर ग्लास स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है, राइट? जहां पे इस लेवल पे है आपकी टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे है आपकी मिडल मैनेजमेंट और यहाँ पे है आपकी लोअर मैनेजमेंट। यह है आपका आवर ग्लास स्ट्रक्चर। मोस्टली इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे ये स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट और आपका जो मिडिल मैनेजमेंट है ना, सॉरी, टॉप मैनेजमेंट एंड द लोअर मैनेजमेंट आर ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, आर कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अगर जो, तो सर इससे क्या फायदा? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट हमेशा टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, तो टॉप मैनेजमेंट को लोअर मैनेजमेंट के साथ काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है। मिडल मैनेजमेंट का रोल बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए इसका शेप कुछ इस हिसाब से है, ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से ब्रॉड है, बीच में से बहुत ही स्क्वीज्ड है, बिकॉज मिडल मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों सर? बिकॉज टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट सीधा कनेक्टेड किससे है? टेक्नोलॉजी से। और बस आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये था आपका आवर ग्लास स्ट्रक्चर। तो ये था वो क्वेश्चन। अब लास्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसको हम लोग करेंगे। दैट इज स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल वाला पार्ट। लास्ट टेस्ट सीरीज फ्रॉम योर आरटीपी, इंडियाज लग्जरियस में क्वेश्चन नंबर 16 पे हूँ। आई होप इट इज विजिबल। थोड़ा सा इसको जूम कर दूं मैं। ओके, इंडियाज लग्जरी डोमेस्टिक एयरलाइन इंडिजेट इज इन एन अटेम्प्ट टू रिटेन इट्स लीडरशिप इन एविएशन सेक्टर हैज़ हायर्ड JS दत्ता एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, तो इंडिजेट करके कोई एक एयरलाइन कंपनी है, उन्होंने JS दत्ता को चीफ एग्जीक्यूटिव बोल के हायर किया है, बिकॉज वो चाहता क्या है, कौन, कंपनी अपना मार्केट में पोजिशन मेंटेन करना चाहता है। तो आगे बढ़ते, मिस्टर दत्ता विशेष टू रीओरियंट द कंपनी टू मेक इट अ डोमेस्टिक डिस्काउंट कैरियर। अंडरलाइन दिस लाइन, मिस्टर दत्ता विशेष टू रीओरियंट द कंपनी टू मेक इट अ डोमेस्टिक डिस्काउंट कैरियर। ही डिजायर्स टू इंट्रोड्यूस नो फ्रिल्स बिजनेस मॉडल बाय ऑफरिंग एक्सट्रीमली लो फेयर्स एंड इम्प्रूव मार्जिन्स बाय कटिंग डाउन ट्रेडिशनल एमिनिटीज सच एज रिक्लाइनिंग सीट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री मील्स। अच्छा, मिस्टर दत्ता ने क्या सोचा? मिस्टर दत्ता चाहते हैं कि हम थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को बदलेंगे, हम हमारे जो प्रोसेस अब तक चली आ रही है उसको छोड़ करके नए सिरे से कुछ बिजनेस मॉडल को बदलेंगे। और इसमें क्या चेंज कर रहे हैं मिस्टर दत्ता? मिस्टर दत्ता दो चीज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एक तो टिकट ऑफ एयरलाइन को कम करेंगे, तो लो फेयर एयरलाइन बनाना चाहते हैं, और अपने इस लो फेयर करेंगे ना वो, तो उनका लॉस होगा, तो इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए वो कॉस्ट कटिंग पे ध्यान देंगे। और कॉस्ट कटिंग कैसे होगी सर? रिक्लाइनिंग वाले सीट्स नहीं होंगे प्लेन में, और कॉम्प्लीमेंट्री मील्स जो खाना दिया जाता है ना प्लेन में, वो भी कैंसल आउट कर देंगे। मतलब फ्री मील्स गायब और रिक्लाइन वाली सीट गायब, तो इससे उनकी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो थोड़ा सा वो डिस्काउंट पास ऑन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये सब कौन सोच रहा है सर? मिस्टर दत्ता। आगे आपको ऐसे घुस जाना है सर, किसमें, ये जो केस स्टडी में, ऐसे अंदर तक जाओगे, कैरेक्टर में जाओगे, तभी मजा आएगा। एट द सेम टाइम सेटिंग द स्टेज फॉर अ न्यू एयर रेवोल्यूशन ही विशेष टू ब्रांड इटसेल्फ एज एन ऑन टाइम एयरलाइन हैविंग प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस एंड रिमूविंग एडिशनल एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड प्रोसेस। मतलब वो लो फेयर तो बनाना ही चाहते, प्लस वो अपने एयरलाइन को एक पंक्चुअल एयरलाइन के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं।
और जो टाइम वेस्ट, जो रिसोर्सेज वेस्ट होती है उसको वो लोग, आई मीन मिस्टर दत्ता उसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो सर अब क्या होगा, वॉट स्टेप्स विल यू एडवाइस टू मिस्टर दत्ता। अभी हमको क्या पूछा हुआ है कि मिस्टर दत्ता क्या करना चाहते हैं, वो तो अपने अभी इधर देखा कि वो लो फेयर एयरलाइन बनना चाहते हैं, वो खाना देना बंद कर देंगे, वो रेक्लाइनर बंद कर देंगे, प्रोसेस को रीओरिएंट करना चाहते हैं वो, और फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पंक्चुअल एयरलाइन बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अभी ये सब करने के लिए मिस्टर दत्ता को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो क्या स्टेप्स होंगे यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 8 इमीडिएटली आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि चैप्टर नंबर 8 में क्या क्या आ रहे हैं सर पार्ट्स। लेट अस सी, चैप्टर नंबर 8 में बहुत सारे पार्ट्स हैं। चैप्टर नंबर 8 इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंच मार्किंग। तो देखिए जरा क्या ये क्वेश्चन इंप्लीमेंटेशन से आया हुआ है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं पूछा ना कि पहले इंप्लीमेंट करेंगे क्या। क्या ये क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक ऑडिट से आया हुआ है, लग रहा है कि आपको ऑडिट का, बिल्कुल नहीं। इस केस स्टडी में एक वर्ड था रीओरियंट, रीओरियंट मतलब इंडिजेट, अब तक जैसा चल रहा था अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को तोड़ करके वो कुछ तो नया करना चाहता है, नए सिरे से सोचना चाहता है, अपने प्रोसेस को नया बनाना चाहता है। अब तक आपको हिंट लगी चुका होगा कि ये जो आंसर है इट इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यस, तो मिस्टर दत्ता क्या करना चाहते हैं, जो प्रोसेस को इंडिजेट अब तक फॉलो कर रहा था उसको नए सिरे से सोच करके उसमें बदलाव करके और फिर एक्सपांड करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या आया है स्ट्रेट फॉरवर्डली, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। देखिए केस स्टडी को अगर आप ऐसे समझ के बोल करके और इंटरप्रेट करोगे ना तभी वो कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, सिर्फ प्लेन रीडिंग से कुछ नहीं होता। सो लेट अस गो टू आवर नोट्स और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस। तो बीपीआर अगर मिस्टर दत्ता को लगाना है तो इनको ये स्टेप्स फॉलो करेंगे सर, क्या, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई कस्टमर एंड देयर नीड्स, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्लान, इम्प्लीमेंट द रीडिजाइन प्रोसेस। ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो मिस्टर दत्ता अपने जो सोच रहे हैं ना इंडिजेट को, वो जो लो फेयर वाली एयरलाइन बनाना चाहते हैं वो 100% हो जाएगा। तो आपको पूछा क्या है ये क्वेश्चन, बट उसके लिए पहले इतना बड़ा केस स्टडी बनाया, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ईच वर्ड ऑफ द केस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ो, इंटरप्रिट करके पढ़ो, नहीं अगर बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स आ रहे, बहुत सारे नाम आ रहे तो उनका डायग्राम ड्रॉ करो, समझ में आ जाएगा आपको, यू विल गेट दैट आंसर राइट। सो नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपी, व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल एंड डिस्कस इट्स बेसिक फॉर्म्स। काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, तो सीधा हम लोग नोट्स पे ही जाएंगे, वहीं से आपको समझाएंगे। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल मतलब कंट्रोल पार्ट जो है चैप्टर का स्ट्रेटजी वाला, उस पर आ गया क्वेश्चन और ये रहा उसका डायग्राम। ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल पे सीधा है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस डायग्राम को वहाँ पे ड्रॉ करके आएंगे तो एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में बेसिकली दो ही पॉइंट है, कौन से पॉइंट है सर, इसको बंद कर दूं मैं। बेसिकली इसमें दो ही पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में, मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट एंड माइलस्टोन रिव्यूज। तो सर स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट क्या होता है कि ये मैनेजमेंट का काम है कि वो ये देखते रहे कि हमारी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है क्या वो वैसी ही जा रही है जैसी जानी चाहिए थी, वो होता है मैनेजिंग थ्रस्ट। एंड माइलस्टोन रिव्यूज मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी जैसी जा रही है उसको जाने के लिए किसी रास्ते को हमने चूज किया है और उस रास्ते पर चलने के लिए कुछ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, कुछ माइलस्टोन्स हमने फिक्स किए, तो क्या वो माइलस्टोन हम अचीव करते जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसको देखना भी एक काम होता है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी को देखना इज मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट, एंड बीच के माइलस्टोन्स को देखना इज व्हाट इज माइलस्टोन रिव्यूज। तो ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल वाला आंसर, एंड आई वुड सजेस्ट क्या सर इस डायग्राम को जरूर आपने ड्रॉ करना है राइट। कमिंग बैक, ओके, सो आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया आया है कि कैसे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो आरटीपी था नवंबर 2019 वाला, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको आया है।
और कैसे आपको केस स्टडीज को देखना है, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करना है ताकि आप एग्जैक्ट आंसर तक आ सको। राइट दोस्तों, इसी तरह चैनल पर सब्सक्राइब करने को और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।